हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली वालों के लिए दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है, पक्की सरकारी नौकरी दोस्तों मात्र 8वीं पास के लिए। अगर आपने मात्र 8वीं पास की हुई है, ना आपके पास कोई टेक्निकल फील्ड है और ना कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों दिल्ली के अंतर्गत। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपंगा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई टेक्निकल फील्ड मांगी गई है। तो बेसिकली दोस्तों पोस्ट आउट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, सारी बातें अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वैकेंसी आउट हुई है। आपकी जो पोस्टिंग होगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत होगी, यानी कि इंडिया पोस्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्ट का नाम है दोस्तों डिस्पैच राइडर। मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जैक्ट लोकेशन आपकी कहां पे पोस्टिंग होगी। आपकी पोस्टिंग होगी दिल्ली के नारायणा में। नारायणा में डिस्पैच राइडर की वैकेंसी आउट हुई है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें दोस्तों एलिजिबल रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको 8वीं पास होना अनिवार्य है। एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 30 साल। आपकी एज 18 से 30 के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एज में रिलैक्सेशन लेना है, सपोज करो आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, और ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको लेवल 2 की सैलरी मिलती है, जो कि 20,000 से 25,000 पर मंथ के हिसाब से बनती है। दोस्तों एवरी ईयर ये इंक्रीमेंट के तौर पर बढ़ती रहती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों ये। अब दोस्तों बात करते हैं आपके पास लाइसेंस के तौर पर अनिवार्यता क्या मांगी गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों 8वीं पास के साथ साथ आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 2-व्हीलर का, 3-व्हीलर का और लाइट मोटर व्हीकल का। आप अपना लाइसेंस देखना दोस्तों, उसमें साफ साफ मेंशन किया होता है कि कौन कौन सी चीज का ही लाइसेंस बना हुआ है। अगर आपके पास 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट की सबसे खास बात यह, इसमें आपका कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, रिटन एग्जाम कोई नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट होगा। आपका ड्राइविंग टेस्ट होने के बिहाव पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट आप उसका प्रिंट आउट निकालना, उसको नीट एंड क्लीन फिलअप करना दोस्तों, उस पर कोई भी ओवरराइटिंग मत करना। उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, अपना लाइसेंस, ये सब लगा के सेल्फ टेस्ट करके फोटो वगैरह पेस्ट करके आपको सेंड करने हैं इस एड्रेस पे। दोस्तों ध्यान से समझ लेना, द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस C121 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 नारायणा नई दिल्ली 110028 इस एड्रेस पे दोस्तों पहुंच जाने चाहिए। लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 4 अप्रैल 2021। अब दोस्तों एक चीज अच्छे से समझना है, जब फॉर्म आप अप्लाई करोगे उसके जो एनवेलप पे आपको मेंशन क्या करना है वो चीज अच्छे से समझना दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्पैच राइडर ब्रैकेट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट MMS दिल्ली, ये दोस्तों जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज में मिसप्लेस की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको मैं बड़े अच्छे से समझा रहा हूं। एक बार दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आप जरूर रीड आउट कर लेना फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। आपका एडवर्टाइजमेंट रीड आउट करना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल और आया होगा, क्या हम इसको बाय हैंड दे सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही कर सकते हैं, बाय हैंड आप इसको नहीं दे सकते। एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप उसको फर्दर रीड आउट जरूर कर लेना फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपका एडवर्टाइजमेंट रीड आउट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है, सुझाव होता है, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।